प्रणाम मित्रों, आप सभी व्यूअर्स और आप सभी मेंबर्स का मैं चोपड़ा राकेश, एडिटर श्लोक चोपड़ा के साथ आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मित्रों तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों इस वीडियो में हम ऐसे तीन स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो कि फंडामेंटली और टेक्निकली बहुत ही मजबूत है। मार्केट पहले 12,400 पे था, उसके बाद गिरा था 7,500 तक, उसके बाद अभी मार्केट बहुत ही बढ़ गया है। तो ऐसे माहौल में कौन से ऐसे स्टॉक है जो आपका पैसा एक साल या दो साल या उससे पहले ही आपका पैसा डबल कर सकते हैं? तो ऐसे तीन स्टॉक को हमने निकाला हुआ है जो आपकी पैसा कमाने में बहुत सारी मदद करने वाले हैं मित्रों, और आप इसमें स्विंग ट्रेडिंग भी लगातार कर सकते हो। हमने फाइनेंस, हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर, केमिकल सेक्टर्स और पाइप सेक्टर्स, इन तीन सेक्टर से एक एक स्टॉक निकाले हुए हैं मित्रों। हमारा मेन काम स्विंग ट्रेडिंग का है मित्रों, और हमारे आप पुराने वीडियोस भी देख सकते हो। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो स्विंग ट्रेडिंग के लिए तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप मेंबरशिप ग्रुप में जुड़ सकते हो। आप अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट बॉक्स में छोड़ दे। आइए डिस्क्लेमर दे देते हैं। हमने जो स्विंग स्टॉक सभी स्टॉक निकाला हुए हैं ये मेरी सोच और रिसर्च के हिसाब से निकाले हुए। आप अपनी खुद की भी रिसर्च करें और स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें मित्रों, और कोई भी स्टॉक में 5% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें। पहला स्टॉक है मित्रों जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस। जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस, हाउसिंग फाइनेंस हाउस जो होता है उसमें फाइनेंस करता है मित्रों। आप उसकी पूरी प्रोफाइल देख सकते हो मित्रों। जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस अभी चल रहा है 101 से लेके 104 के बीच में, और अभी मिल रहा है 102 के आसपास। जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस का 52 वीक लो है 51 का, 52 वीक हाई है 190 का। टर्नओवर रेट है मित्रों 2.10 का, यानी टर्नओवर रेट काफी बढ़िया है। अर्निंग पर शेयर है 8.40 का, अर्निंग पर शेयर का पैरामीटर भी काफी बढ़िया है। पी रेशियो 12 का है, काफी सस्ता है। बुक वैल्यू है 234 की, और अभी शेयर मिल रहा है 101 पे, यानी कि बहुत ही सस्ते रेट पर मिल रहा है। जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस डिविडेंड देता है 5.5 रुपीज का, यानी डिविडेंड हो गई 5.5% की, यानी 5.5% का तो आपको साल में डिविडेंड ही मिलने वाला है। एक्सपर्ट की राय मित्रों, 100% एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि इसको बाय करना चाहिए, और मित्रों 100% एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि इसका टारगेट 120 का रह सकता है। लेकिन मित्रों हमारा मानना कुछ और है, हम आगे आपको बताएंगे कि हमारा टारगेट क्या रह सकता है। लेकिन मित्रों कोई भी एडवाइजर इसमें सेल या होल्ड करने की सलाह नहीं दे रहे, सभी एडवाइजर इसमें बाय करने की सलाह दे रहे हैं मित्रों। पिछले 4 साल की आरओई की देखो, रिटर्न ऑन इक्विटी देखे मित्रों, तो 14 की लो रिटर्न ऑन इक्विटी है और हाई रिटर्न ऑन इक्विटी 17 की है। यानी कि मित्रों अगर इसकी एवरेज भी रिटर्न ऑन इक्विटी 15% की गिने तो भी काफी अच्छा शेयर मालूम पड़ता है। और अर्निंग पर शेयर देखे तो पिछले 4 साल की अर्निंग पर शेयर में लो अर्निंग पर शेयर है 23 की और हाई अर्निंग पर शेयर है 38 की। यानी कि इस शेयर की अर्निंग पर शेयर एवरेज देखे तो 30 के आसपास की अर्निंग पर शेयर रहती है। तो ये सभी पैरामीटर काफी अच्छे मालूम पड़ते हैं। अगली स्लाइड देखते हैं। नेट मार्जिन देखे मित्रों, तो नेट मार्जिन कम से कम 14% का है और हाई पे 18% का है, यानी नेट मार्जिन भी बहुत ही अच्छा है मित्रों। और नेट इनकम देखे तो भी साल दर साल बढ़ती जा रही है, आप उस स्लाइड में देख सकते हैं मित्रों। और बुक वैल्यू देखे तो बुक वैल्यू पिछले 4 साल की बुक वैल्यू देखे तो 135 बुक वैल्यू थी मित्रों, जो कि अभी बढ़ के 235 हो गई है मित्रों। हाँ मित्रों जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस की बुक वैल्यू 235 की है, यानी कि ये शेयर अभी 101 पे चल रहा है, तो काफी सस्ते भाव पर उपलब्ध है मित्रों। कंपनी में नेट इनकम भी बढ़ता जा रहा है और नेट रेवेन्यू भी बढ़ता जा रहा है। अगर ऐसे ही सरकार सपोर्ट करती रही मित्रों तो हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर भी आने वाले साल में काफी अच्छा कर सकता है। हमारे हिसाब से जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस को 100 पे ले सकते हो। हमारा टारगेट रहेगा 200 का, और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा मित्रों अगर 90 के नीचे बंद आता है तो हमारे को निकल जाना है। हमारा टाइम होराइजन रहेगा 1 ईयर से लेकर 2 ईयर का, और रिटर्न मिल सकता है 100% का। तो जब भी हमारा टारगेट आए तो इस शेयर में जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस में अपना प्रॉफिट बुक कर लें मित्रों। दूसरा स्टॉक है केमिकल सेक्टर से, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड। आप हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल की पूरी प्रोफाइल इस स्लाइड में देख सकते हो। स्पेशल केमिकल बनाने का काम करती है। चाइना में जो केमिकल आता था वो बैन हो गया है मित्रों। इसके हिसाब से सभी केमिकल सेक्टर के स्टॉक को काफी बढ़िया ग्रोथ रहने की संभावना है। HSCL अभी चल रहा है 53 से लेकर 56 के बीच में, और अभी मिल रहा है 54 के आसपास। 52 वीक लो है 27 का, 52 वीक हाई है 92 का। टर्नओवर परसेंटेज है 0.39% की, यानी टर्नओवर काफी बढ़िया मात्रा में चल रहा है मित्रों। अर्निंग पर शेयर है 3.23 का, और ये भी आने वाले एक साल में अर्निंग पर शेयर बहुत ही अच्छा बढ़ सकता है, 5 के आसपास रह सकता है। पी रेशियो 16 का है, यानी इसी भाव पर भी HSCL का पी रेशियो काफी कम है। दूसरी सभी केमिकल सेक्टर में पी रेशियो 25 के आसपास मिला हुआ है मित्रों। एक्सपर्ट की एडवाइस है कि स्ट्रॉन्गली बाय करना है। ऐसे एक्सपर्ट 50% बोल रहे हैं, बाय करने को 25% बोल रहे हैं, और होल्ड करने को भी 25% एक्सपर्ट बोल रहे हैं मित्रों। सेल और अंडर परफॉर्म की राय कोई भी एक्सपर्ट नहीं दे रहा है मित्रों।
हाई साइड पे टारगेट दे रहे हैं मित्रों 91 का, और मीडियम रेंज रह सकती है 69 की, और लोअर रेंज रह सकती है 53 की, जो कि मित्रों अभी चल रहा है 54 पे और 53 पे भी मिल रहा है मित्रों, यानी कि अभी है बाइंग प्राइस पर ये उपलब्ध है मित्रों। रिटर्न ऑन इक्विटी को देखें तो पिछले चार साल में ये -2% पे भी चला गया था और हाई पे 21% का रिटर्न ऑन इक्विटी भी दिया हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर 15% से ज्यादा रहती है तो अच्छी मानी जाती है, तो ये पिरामिडर भी अच्छा है। अर्निंग पर शेयर देखें मित्रों तो ये -2 अर्निंग पर शेयर भी चला गया था और हाई साइड पे 21 अर्निंग पर शेयर भी दे रहा था। अर्निंग पर शेयर अभी 3.23 की है, इसके हिसाब से अगर इसकी अर्निंग पर शेयर 5 और 6 या 7 भी रह सकती है मित्रों, तो हमारा शेयर आराम से डबल हो सकता है मित्रों, तो ये पैरामीटर भी काफी अच्छा है। कंपनी का नेट मार्जिन देखें मित्रों तो -1% से लो का लो -1% रहा है और हाई साइड पे 12% का रहा है, यानी नेट मार्जिन अगर अभी जो है पिछले साल में उतना रहता है तो भी काफी बढ़िया रह सकता है, लेकिन नेट मार्जिन भी बढ़ सकता है मित्रों और नेट इनकम भी साल दर साल बढ़ती जा रही है, आप उस स्लाइड में देख सकते हैं। हिमादरी स्पेशल केमिकल को बाय करना है मित्रों 5050 से लेके 55 के बीच में, और हमारा टारगेट रहेगा 100 का, हमारा स्टॉप लॉस रहेगा अगर मित्रों 45 के नीचे क्लोज आता है तो हमको निकल जाना है, और हमारा टाइम होराइजन 1 ईयर से लेके 2 ईयर का रहेगा, और रिटर्न मिल सकता है 100% का, और 1 साल या 2 साल उससे पहले भी हमारा टारगेट आ जाता है मित्रों तो प्रॉफिट बुक कर लेना है। अगर अर्निंग पर शेयर 5 रुपीज का रहेगा और पी रेशो 20 का मिलेगा मित्रों तो भी 100 का टारगेट आ सकता है, आप अपने हिसाब से भी अर्निंग पर शेयर और पी को सोच के टारगेट निकाल सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से मिले मिले एक बात बता दूं कि अगर आपको हमारी एनालिसिस और हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, जिससे हम नए नए स्विंग स्टॉक और ऐसे ही नए नए डबल होने वाले स्टॉक आपके लिए लाते रहे, इससे आप पैसा कमाते रहे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद नहीं आ रहा है तो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हो, और पसंद आ रहा है तो मित्रों के साथ शेयर करें और हमारी फैमिली को बढ़ाएं। तीसरा स्टॉक है पाइप सेक्टर से श्रीकलाहस्ती पाइप, आप उसकी पूरी प्रोफाइल देख सकते हो मित्रों। श्रीकलाहस्ती पाइप जैसे एस्ट्रल है, जैसे दूसरे पाइप की कंपनियां हैं प्रिंस पाइप है, वैसे ये पाइप सेक्टर में बहुत ही अच्छा काम करती है मित्रों। गवर्नमेंट ने जो नल से जल वाली स्कीम चलाई है उसका ऑर्डर भी मिल सकता है श्रीकलाहस्ती पाइप को, और जो रूरल सेक्टर में अभी जो कोरोना वायरस का इफेक्ट नहीं हुआ है उसका लाभ भी श्रीकलाहस्ती पाइप को मिल सकता है। श्रीकलाहस्ती पाइप अभी चल रहा है 175 से लेकर 182 के बीच में, और अभी मिल रहा है 180 पे, 52-week लो है 96 का, 52-week हाई है 234 का, टर्नओवर परसेंटेज है 0.23% की, यानी कि टर्नओवर काफी बढ़िया चल रहा है। तो अर्निंग पर शेयर 26 का है जो कि काफी बढ़िया है, काफी बढ़िया। पी रेशियो सिर्फ 6 का है, सिर्फ 6 का, क्या मित्रों सिर्फ 6 का, यानी कि ये बहुत ही सस्ते भाव पर उपलब्ध है, और अगर बुक वैल्यू देखें तो 303 की बुक वैल्यू है और शेयर अभी 180 पे चल रहा है, तो आप खुद ही पता लगा सकते हो मित्रों कि कितना सस्ता शेयर है, और डिविडेंड देता है 7 रुपीज का, और डिविडेंड यील्ड हो गई 4% की, यानी कि साल में 4% का आपको तो सिर्फ डिविडेंड ही मिलने वाला है। अगली स्लाइड में देखते हैं कि एक्सपर्ट की क्या राय है। श्रीकलाहस्ती पाइप में सभी एडवाइजर स्ट्रॉन्गली 100% बाय करने को बोल रहे हैं, कोई भी सेल या अंडर परफॉर्म की रेटिंग नहीं दे रहा है, सभी आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग दे रहे हैं मित्रों। सभी एक्सपर्ट 329 के आसपास का टारगेट दे रहे हैं मित्रों, यानी इस भाव से डबल हो सकता है जैसे कि हमने फंडामेंटल में भी देखा, और आगे हम अपना टारगेट भी देंगे और फाइनेंशियल कंपनी की क्या फाइनेंशियल हालत है ये भी हम देखते हैं मित्रों। पिछले चार साल की रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो लो साइड पर 9% की रही है और हाई साइड पर 31% की रही है। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से ज्यादा रहती है तो काफी अच्छा माना जाता है, जो कि ये शेयर में काफी अच्छा है मित्रों। और अर्निंग पर शेयर देखें पिछले चार साल की तो कम से कम 25% की ईपीएस है और हाई साइड पर 39% की ईपीएस है, और अभी करंटली ईपीएस देखें तो 26 की है, यानी कि अर्निंग पर शेयर अगले साल में 30 या 39 या 40 के आसपास रह सकता है, इसके हिसाब से भी ये शेयर काफी अच्छा कर सकता है मित्रों। कंपनी की बुक वैल्यू देखें पिछले चार साल में तो लो साइड पर 175 रही है और हाई साइड पर 303 की रही है, यानी कि कंपनी की बुक वैल्यू पिछले चार साल में काफी ग्रोथ हुई है मित्रों। और कंपनी का नेट मार्जिन पिछले चार साल में देखें तो 7% का रहा है लो साइड पर और हाई साइड पर 13% का रहा है, यानी कि एवरेज 10% का नेट मार्जिन रहा है, जो कि कोई भी कंपनी में काफी बढ़िया मालूम पड़ता है। और कंपनी की पिछले चार साल की नेट इनकम देखें तो साल दर साल बढ़ती ही जा रही है मित्रों, आप इस स्लाइड में सभी पैरामीटर्स को आराम से देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं मित्रों। और श्रीकलाहस्ती पाइप को हमारे हिसाब से बाय करना है 180 पे, और हमारा टारगेट रहेगा 360 का, हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 170 के नीचे अगर क्लोज करता है मित्रों तो ही हमको निकल जाना है, और हमारा टाइम होराइजन रहेगा 1 ईयर से लेकर 2 ईयर का, और हमारा
रिटर्न मिल सकता है 100% का। अगर हमारा टारगेट आ जाता है मित्रों तो प्रॉफिट को बुक कर लेने का है, कोई और किसी सस्ते स्टॉक में इन्वेस्ट करना है जो कि देखने के लिए हमारी चैनल को आप सब्सक्राइब करें। अगर इसका अर्निंग पर शेयर 30 के आसपास रहता है जैसे कि हम सभी पैरामीटर्स में आपको बताएं और उसका पी रेशियो 10 या 20 या 50 के आसपास भी मिलता है तो हमारा टारगेट आराम से आ सकता है। आप सभी पैरामीटर्स और आराम से देखें और अर्निंग पर शेयर आप अपने हिसाब से सोचें और पी रेशियो भी अपने हिसाब से सोचें और आपने अपने हिसाब से भी टारगेट निकालें तो भी आप अपने हिसाब से टारगेट रख सकते हो मित्रों। तो इसी तरह ऐसे ही नए नए आइडियाज, नए नए स्विंग स्टॉक, नए नए डबल स्टॉक जानने के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें।